धन्यवाद। लेट मी वेलकम मैडम सुप्रिया जी इन दिस कैंपस, माई कलीग शिंदे प्रदीप शिंदे जी। मेरे जो रास्ता आसान हो गया मैडम के बोलने के बाद, काफी कुछ उन्होंने कवर कर लिया है। एंड टू थ्री स्टेटमेंट्स आई एम गोइंग टू जस्ट गिव बिफोर यू। ये ऐसी पहले भी डिबेट होती थी कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी डिबेट होती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया, और वो किसके समय में हुई थी, के आर नारायणन जब प्रेसिडेंट थे। सो के आर नारायणन हैज टेकन दिस पोजीशन, इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड, इट इज द पीपल हु हैज फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट है, और वो इनके साहब के नेता है, वो कहते हैं देयर इज नो गवर्नमेंट विदाउट अपोजिशन। जरा लोकसभा का स्टेटमेंट भी तो कभी कभी पढ़ लिया कर रही है, उनको जब आते हैं डिबेट करने बहस करने, अब पहली चीज तो आते ही नहीं। इस बात के लिए परेशान मत हुई आप लोग कि डेमोक्रेसी थ्रेट में, मुझे तो लगता कहीं कोई डेमोक्रेसी थ्रेट में, हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर एंड वी आर नॉट एफ्रेड, वी आर कैपेबल इनफ टू कन्फ्रंट विद दिस काइंड ऑफ पीपल। चाहे छात्र जीवन में भी हम रहे हैं यहीं पर, आज शिक्षक भी हम यहीं पर हैं। हमने वो जमाना भी देखा है जब यहाँ पर शरद यादव के जो है एसएस ऑडिटोरियम में शरद यादव घुस रहे थे मंडल कमीशन के सपोर्ट में बोलने के लिए, उनकी धोती तक खींच ली गई थी, और वो जो लोग धोती खींचने वाले थे आज वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट बने, सत्य हिंदी चला रहे हैं आजकल लोग। ये हम लोग हैं, एविडेंस ऐसा नहीं है, बहुत लंबी उम्र नहीं है लेकिन देखे। और दूसरी चीज मैं कभी कभी कहता हूं, अपने से पूछता हूं कि हम लोग दे आर सेटिंग द नैरेटिव्स वी आर डिबेटिंग, जो सबसे ज्यादा हमारे पास एजेंडा क्या है उनको काउंटर करने के लिए, व्हाट आर द एजेंडा वी आर गिविंग टू देम, हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर देम, दिस इज द बिग क्वेश्चन बिफोर अस। हम लोग बस एक इसमें गिनने में लगे हुए हैं, दो आदमी इधर से ले लो, दो आदमी इधर से ले लो, दो आदमी इधर से ले लो, इनके छह हो गए हमारे आठ हो गए हम जीत गए। ऐसे नहीं होता है डेमोक्रेटिक सेटअप में। अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेमोक्रेसी, वी द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। कहां से बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल हो गया भाई। और मैं कभी कभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ में आती है जब हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं अपने को ब्लेम करता हूं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर द पीपुल हु हैव गिवन द स्पेस टू दिस काइंड ऑफ पीपुल टू कम अप, अदरवाइज ऐसे लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती कि आज यहां पर कहते दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर अभी दो दिन में पहले गया था, गेट पर मेन गेट पर मैडम जी लगा जय श्री राम, तो बदल दो उसको, उसका भी राम मंदिर बना दो ना, हमको कहां परेशानी। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट ऑल दोस्त, I'm not afraid about all those things. I'm really talking about so many things I'm going to cover. Let me just cite some of the example. जो हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग सुनिए समझिए पूछते रहिए। मैडम जी गांव गांव के प्रधानों को चिट्ठी भेजी गई है सरकारी कि जरा काउंट करके भेजो कि तुम्हारे गांव में मंदिर कितने हैं, तुम्हारे गांव में पुजारी कितने, सबके अकाउंट भी खोलो, अकाउंट भी भेजो। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, और हम लोग यहां डिबेट कर रहे हैं कि जो है डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं, वो कितना फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है, हम कितने स्लो जा रहे हैं। हम लोग केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो ध्यान दे रहे, हम जीत गए वो हार गए, हम हार गए वो जीत गए। सोशल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पर अवेयरनेस बिल्डिंग का कोई कार्यक्रम हमारे पास, कोई एजेंडा नहीं। And who are the victim? Who are the sufferer? और मैं इसमें बहुत बहुत जल्दी होगी, मैं आपको कह रहा हूं कि इवन पहले ओनली वन सोशल रिफॉर्मर हु रिकॉग्नाइज द सोशल रियालिटी, ही वॉज द कांसीराम हु प्रमोटेड कास्ट बेस्ड सब कास्ट बेस्ड लीडरशिप एमंग द मार्जिनलाइज सोसाइटी। चाहे राजभर की लीडरशिप हो, चाहे मौर्य कम्युनिटी में लीडरशिप हो, चाहे पाल कम्युनिटी में लीडरशिप हो, चाहे सैनिक कम्युनिटी लीडरशिप हो, आज वही चीज जो है वो लेकर के आगे बढ़ गए। हम भूल गए,
हम भी वही चीज कर रहे हैं कुछ चीजें लेकर के कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी स्पेसिफिक कास्ट को लेकर के हम भी उसी को प्रमोट करते हैं, हम भी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। दिस इज द रियलिटी। और जब मैं कहता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रोविजन है कि अगर राजा का एक वोट है तो उसके नौकर का भी एक ही वोट है, किसी को दो वोट का अधिकार नहीं। यही ब्यूटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। और यहां पर और भी बहुत सारी चीजें जो आती हम लोग देखते चलते हैं और डिबेट करते चलते हैं। बार बार हम लोग इस चीज को कहते हैं कि कैसे कैसे डिबेट हो रही है, कहां से हम लोग जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, क्या हमारे पास मैकेनिज्म है जो उस समय भी चल रहा हूं 1871 में पहली जनगणना हुई थी, 1871 में पहली जनगणना हुई इस देश में। और उस समय के लोगों ने, बंगाल प्रोविंस के लोगों ने यह समझा था कि यह देश जो कम्युनल वायलेंस की तरफ बढ़ रहा। 1871 में उन्होंने पहला मूवमेंट चला था जो नमो शूद्रा का मूवमेंट हुआ था 1869। तब उन्होंने मांग किया था कि यहाँ पर हमारी गिनती किसी भी सूरत में हिंदुओं के साथ नहीं होनी चाहिए, हमारी गिनती अलग से होनी चाहिए। वी आर द सेपरेट पीपुल, वी आर सेपरेट रेस। वो 1871 की बात है, उसके बाद बहुत सदियां गुजर गई जब हम आजाद हुए और उनकी बात को मानी गई। 1871 के बाद से उनकी गिनती वहां पर बंगाल प्रोविंस से अलग होती रही। समझना चाहिए, इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास तोड़ने की मरोड़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं कहता हूं, जब मैं इतिहास को बोलता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि बिना बंगाल के इतिहास के, पार्टीशन से पहले के इतिहास के पहले पढ़ने की जरूरत है। और जब वो इतिहास पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि देश का बंटवारा किसने किया, कौन कौन लोग थे। समझना चाहिए सब चीजें, तब आएगी। ये एक दिन का इतिहास नहीं है कि ये लोग इतने मजबूती से उभरे। हमने भी सांप को दूध पिलाया, 50 साल के 75वीं आजादी हम मना रहे, 75 में कितने वर्ष किसकी सरकार रही, हमने भी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहां से लोग तैयार हो गए। और हम पढ़ते हैं एक और इतिहास पढ़ते हैं, 1906 का बंगाल बंटवारा, बड़ा जबरदस्त बंटवारा था। और उसकी डिबेट को पढ़िए, कौन कौन लोग थे उस समय, जो उससे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की नंबर को आप पढ़िए, किस ग्रुप के, एक ग्रुप को जो थे रिप्रेजेंट कर रहे थे महाराजा वर्धमान, जो आज की भाषा में कहूं तो आरएसएस के लोग थे। और दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो बंगाल को एज इट इज चाहते थे, प्रोफेसर नूरुल अमीन थे जो कहते थे नहीं, बंगाल को ऐसे ही रहना चाहिए। समझने की जरूरत है। उतना हम लोग आज का इतिहास पढ़ लेते, आरएसएस बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, हमने उनको बढ़ाया। और कैसे कैसे जब वो बंगाल में बटने में जो 4 शूद्र भी थे, अछूत भी थे, उन्होंने भी उस चीज को जो है वोटिंग किया था कि नहीं बंगाल एज इट इज होना चाहिए, बंटवारे का नहीं, तब उस समय अभी किसी का नहीं वो आया था। और भी बता दूं थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोग और भी चलिए। जो बंगाल बांटा गया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव के, चाहे खुलना डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे करीमनगर हो, चाहे मेहमल नगर हो, सारे जगहों पर अछूतों की आबादी मैडम कहीं कहीं 74 और 76%। ये समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत। और दूसरी चीज हम लोग बार बार छिपाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और दो व्यक्तियों को मैं पब्लिकली कह रहा हूं, दो व्यक्तियों को मैं सलूट करता हूं, एक है माननीय कांशीराम और दूसरे को मैं कहता हूं जिसने सोसाइटी को समझा है वो माननीय राहुल गांधी ने समझाया, बाकी कोई सोसाइटी समझ नहीं। मैं कहता हूं ही इज द रियल सोशल रिफॉर्मर। और उसके बाद कम से कम सारे लोग तो निकलते हैं, जब जिसको जिसको परेशानी है देश बदले, देश डेमोक्रेसी खतरे में है वो भी तो निकलते हैं। मैडम ने कहा कि मणिपुर वाली घटना है, 4 बार मैं भी कोशिश किया हूं, 4 बार रोका गया मणिपुर जाने से कि नहीं सर अब अभी जा नहीं सकते, वो एक अलग इशू है। हम भी देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। और ये नहीं है कि जेएनयू हम आ गए तो हम अलग सोसाइटी हो गई, हम एक उस तरह, हम भी उसी समाज के आते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इस देश की अगर समस्या का समाधान होना है तो कास्ट बेस सेंसस का इस देश में जरूरी, जातीय जनगणना जरूरी है इस देश में। और बिना जातीय जनगणना के हो नहीं सकता कोई देश का, देश में न्याय में। इस बात को बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही सादगी के साथ और बड़े ही ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं।
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जाति जनगणना होती है, पिछड़ों की नहीं होती, औरों की नहीं होती। मैं तो कहता हूं, और दूसरी चीज अगर आप जानते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, एनएसएसओ एक रिपोर्ट दो, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी टू कंडक्ट द सेंसस। होम मिनिस्ट्री का सेंसस डिपार्टमेंट तो करता है। एनएसएसओ तो 2000 में मैडम एक डेटा लेकर के आता है, पब्लिश करता है कि बैकवर्ड क्लास की आबादी जो है कितनी है, 35%, और जो मंडल कमीशन में बैकवर्ड क्लास की आबादी कितनी है, सिर्फ 52%। तो 52% किसका बेस लिया गया है, 1931 की सेंसस से कहा गया है कि बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन देश में 52% है, जबकि वह भी थोड़ा कम करके उस समय 58% थी। सेंसस को पढ़ने की जरूरत, 52% वो कहा, मान लेते 52% डॉक्यूमेंट है, और उसमें एनएसएसओ कहता है कि जो 2000 में उनकी पॉपुलेशन जो आ गई 35%, यानी कम हुई है ना, 17% कम हो गई। और फिर कहते हैं एक साल में जो 5% बढ़ रही है, 5% 6% सॉरी 6% बढ़ रही 2000 के बाद, 2005 में बढ़ करके वो जो हो गई 6% और बढ़ी, यानी उसी हिसाब से हर साल एनएसएसओ का डेटा आ रहा है 6% 6% 6%। तो 2000 के बाद चार पंचवर्षीय योजना तो निकल गई, तो 20% बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन और बढ़ी, और जो 20% बढ़ी तो उसमें जरा जोड़ लीजिए कि जो ये कहते हैं कि उनकी 35 और कितना हो गया, जरा जोड़िए तो 55% बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन हुई कि नहीं। तब तो उनका जो कहते हैं राहुल गांधी की देश के संसाधनों पर भी बंटवारा, 55% उनको चाहिए, ये डिमांड उठनी चाहिए। अल्टरनेटिव पेपर तो आप तैयार करो, अल्टरनेटिव रोड मैप तो दो, ये चीजें हैं। और उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1992 में, जुडिशियरी से तो मुझे कोई उम्मीद कभी रहती नहीं, वो कभी न्याय का काम करते ही नहीं, और स्वयं से ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां जुडिशियरी में होता है, अभी उसमें अभी आ जाऊंगा। और जो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, मुझे नहीं समझ में आता मैडम वो कौन सा संविधान उन्होंने पढ़ा है, कौन सी कानून उन्होंने जजों ने पढ़ ली, और कहते 27% से ऊपर आरक्षण हो नहीं सकता, दूसरी भी जोड़ दिया, शेड्यूल कास्ट का 15%, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का, 49.5% जो ऊपर आरक्षण हो ही नहीं सकता। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई, क्या 49 से ऊपर हो नहीं सकता, क्या मामला है। और फिर आइए तीसरी, बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी रिकमेंडेशन के 10% जो दे दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब मैं तो कहता हूं उल्टा चलिए, पहले हिंदुओं की काउंटिंग करा दीजिए, सबको छोड़िए, बैकवर्ड छोड़िए, एससी को छोड़िए, एसटी को छोड़िए, सबको छोड़िए। और जब मैं हिंदू कहता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे कोई बुरा माने चाहे अच्छा, मैं कहता हूं कि केवल हिंदू ब्राह्मण बनिया ठाकुर तीन को छोड़कर कोई और हिंदू होता नहीं मेरे हिसाब से, चाहे वो गलत होगा सही होगा डिबेट हम बाद में करेंगे। और इनकी गिनती करा दीजिए, कोई कहता 8% है, कोई कहता 10%, अरे यार कितने परसेंट पहले इन्हीं की गिनती करा लो, और 10% की आबादी 90% पे हावी है पूरे देश के रिसोर्सेज पे, ये कौन सोशल जस्टिस है भाई, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का। तो इस पे भी होनी चाहिए बात, इस पे भी हमको सजग रहना, ये नहीं है कि ये सब चीजें हम लोग देखते जाओ समझते जाओ कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और बहुत सारी चीजें, और जब हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका में देश में जो सुप्रीम कोर्ट और अपीजमेंट पॉलिसी के तहत एक जज उसमें मुसलमान जरूर रख देंगे, वो दिखाने के लिए नहीं है ना। और लक बाई चांस या कहीं बाई मिस्टेक एक थे इस बार शेड्यूल कास्ट का भी रख दिया, तुम भी चुप रहो, 31 जज 27 परमानेंट अपॉइंटमेंट है, चार वहां भी जगह खाली रहती है, कभी जुडिशरी फुल फ्लेज काम नहीं कर पाती मैडम जी। और भी है 25 देश में हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट में 1,000 टोटल वैकेंसी है, और टोटल जो होनी चाहिए
इस समय उसमें 829 जजेस काम कर रहे हैं और उसमें भी 34% अभी भी बाकी है, जगह फुलफिल ही नहीं है लोग करते। अच्छा, उसमें भी वैकेंसी में केवल 5 शेड्यूल कास्ट के हैं, 829 में 5 शेड्यूल कास्ट, 3 शेड्यूल ट्राइब और 9 जो है बैकवर्ड क्लास। जरा परसेंटेज जोड़िए, क्या न्याय प्रणाली है। और इस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आप चाहते हैं कि 52% को 52% न्याय दे देगा? कभी नहीं। इसके खिलाफ भी मोर्चा खोलना होगा, इसके खिलाफ भी कहना होगा, इसके खिलाफ भी बोलना होगा कि न्यायपालिका से कैसे जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। कोई भी न्याय बता दीजिए कि अगर न्यायपालिका ने कोई भी न्याय किया हो कमजोर वर्गों के हिसाब से। और पता नहीं क्या क्या छूटता जा रहा है। और सुनिए, अभी 27% है आपके पेपर में, आपके सोच में, आपके डिमांड में। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुधांशु शेखर बधाई के पात्र है, ऐसी मीटिंग हो सकता है अगले बार से बोले वो न करे। वो कोई इशू नहीं, वो सब बुलाए ना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब भी लड़ेंगे एनएसआई वाले या जब भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ेंगी तो 27% के अलावा 25% और अभी भी बनता है 22% की लड़ाई पिछड़ों को और देने की आरक्षण बात होनी चाहिए। 25 और चाहिए तब 52 होगा, अभी 57-58 तो हम बाद में जाएंगे। अभी पहले उतना ले लीजिए जो कंस्टिट्यूशन की बात हो रही है, ये भी हो ही गया। और अब हम आते हैं, पूरा कैंपस राममय हो गया। बड़ा बहुत अच्छा लगता, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता राममय सब लोग। कुछ एक चीजें और आप लोगों को बता देता हूं, इसमें कुछ है कहीं ना कहीं। जब हम लोग राममय की बात करते हैं तो टोटल जो है इस देश में 41 लाख से ज्यादा मंदिर, 41 ये भी निकाले कि दिन की इनकम भी बताऊंगा कि कितने मंदिरों से इनकम है। और इस मंदिरों में जितने भी आ रहे हैं, जो 41,30,136 मंदिर इस देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जब प्रधानों को चिट्ठी गई है तो 41 का 52 लाख भी हो गए होंगे। और उसमें जो है टोटल जो है, जब हम इस लेवल पे बहस कर रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करिए, हो सकता मैं गलत हूं, वो कर दीजिएगा, सुधार दीजिएगा। जय श्री राम तो मैं भी कहता हूं, लेकिन उस मंदिर में पुजारियों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की, शेड्यूल ट्राइब की। और उसमें कितने हैं, पूरे के पूरे जो हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पुजारी 3,30,41,000। बाप रे बाप, इतने बड़े पुजारी, इतना बड़ा धन संचय वहां पर हो रहा, गजब की पैसे की। और इनकम भी बताते जा रहा हूँ, और कहिएगा तो पूरी एक एक दिन की इनकम है और एक एक कस्बे और शहर की निकाले हमने। ऐसा नहीं, बहुत गंभीर। और यहाँ पर भी जितने लोग हैं जैसे राम कहते हैं, उनसे कहिएगा कि 3 करोड़ जो 40 लाख है मंदिर, 33 करोड़ जो है उसमें जो शेड्यूल कास्ट के कितने बनते हैं, शेड्यूल ट्राइब के कितने बनते हैं और कितने बैकवर्ड क्लास के बनते हैं, जिसमें 1,71,00,000 तो ओबीसी के पुजारी बनेंगे। भाई इससे बड़ी नौकरी कहाँ मिलेगी। अरे झगड़ो कुछ खड़े हो जाओ, बाहर बदलेगा तो जेनू अपने आप बदल जाएगा। भाई यहां कौन सी, यहां तो लोग रंग बदलते हैं, ऊपर बदला, यहां रंग बदलते थे मिनटों मिनट। इस बात की चिंता नहीं कि कल कौन सी बात हो कह दी जाएगी। और दूसरी चीज, जो 1,71,00,000 इनके बनते हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट के 67,00,000 बनते हैं, उसके बाद 36-37 लाख जो शेड्यूल ट्राइब पुजारी, तो बन जाओ पूजा करो का आराम से बैठे बिना, हराम की वहां पर आमदनी आ रही है, जो जो आएगा ले आएगा देते जाए। और इनकम भी बाप रे, पता नहीं कितनी एक दिन की इनकम जो है इनकी 59,64,00,000 है, यानी 594 मिलियन एक दिन की मैडम इनकम है, पूरी की पूरी रिपोर्ट के साथ ऑथेंटिक। चूंकि जेएनयू का मास्टर हूं, इसलिए उम्मीद यही करता हूं कि कभी कभी मेरे से पूछ दिया जाए कहां से आप लाए। दूसरी चीज,
प्रतिमाह इनकी जो कि इनके हो रही है 17,892 मिलियन का कमाई हो रही। अरे बांट लोगे तो एक एक महीने में 5-5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर फेल है भाई, समझते तो रहो, थोड़ा सोचो, कहीं कुछ ना बना, पुजारी बन जाओ। एक करोड़ 71 लाख ही, ये कौन भी योजना 4 साल के नहीं, यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रही। तो इसलिए इसलिए ये भी चीजें हैं। और कभी बोला गया था कास्ट बेस्ड सेंसस, और कुछ सीए पर भी भाई ने बोला है, सिटीजंस अमेंडमेंट बिल, पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ो, रिसर्च कर रहे हो तो थोड़ा अगल बगल भी देख लो, तुम्हारे सब्जेक्ट से हट करके भी। सिटीजंस अमेंडमेंट बिल जो हुआ है उससे पहले 2019 से पहले मैडम सिटीजंस अमेंडमेंट बिल 2003 है, 2019 से पहले 2003 है, और 2003 में बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है। 1,54,00,000 तो लोग रिकॉर्डेड है कि जो आज भी अपनी सिटीजनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 1,54,00,000 तो रिकॉर्डेड शेड्यूल कास्ट के लोग जो डिस्प्लेस्ड है यहाँ वहां विदाउट सिटीजनशिप, किसी राज्य में यहाँ, किसी राज्य में वहां, किसी राज्य में वहां। उसके बाद क्या साहेब जी जोड़ते हैं 2019 में कि भाई बस हो गया, अब ये वाले लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, बस सातवां नहीं होना चाहिए। तो क्या बुराई है श्रीलंका के हिंदू भी आ जाते, मैं मार के हिंदू भी आ जाते हैं इंडिया में, उनको भी कहीं अलग छोटा सा टुकड़ा दे दिया, तुम भी रहो हमारे देश के हिंदू ही हो। क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, क्यों इस तरह का हेट्रेड, कम्युनल हेट्रेड फैलाया गया, क्यों इस तरह से डिवीजन सोसाइटी में किया जा रहा, क्यों इस तरह से देश को जो बांटने की कोशिश की जा रही। और तमाम जो जितने भी है, सिटीजंस अमेंडमेंट बिल आ रहा है, फिर उसके बाद तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, और इसके बाद ये मैं कहता हूं कि संविधान में ये भी है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 5-7-8 है, जिसमें कहीं पर भी अगर मेंशन मिल हो प्रीएम्बल से लेकर के जो इन्होंने जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही 22 जनवरी 1947 में देश के जो है कंस्टिट्यूएंट कमेटी ने इंडिया का प्रीएम्बल एक्सेप्ट किया, जिसमें कहते हैं कि सोशलिज्म से लेकर सब कुछ। तो एक डर तो इन्होंने ये चुना कि पूरे संविधान को फेल करने के लिए आज ही के दिन प्राण आएगा, कोई बच्चा जो है कल नहीं पैदा हो सकता, आज ही के दिन पैदा होगा। बाहर है प्राण प्रतिष्ठा, गजब के प्राण आएगा आज के दिन। दूसरी चीज इन्होंने जो किया 6 दिसंबर को दिया, जो बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिवस है, जो सबके दुखद दिन है, उस दिन इन्होंने उस ढांचे को गिरा करके उसको भी एक खुशी में बदल दिया, गजब के लोग। तो इसलिए साथियों मैं तो यही कहूंगा सभी लोगों से, जितने मित्र हैं और सभी लोगों को, बुराई और मनमुटाव लेकर के आप लोगों को नहीं चलना चाहिए, कभी भी मत चलिए। न्यायपालिका पर भी कुछ न्यायाधीशों ने पत्रकार वार्ता भी की थी, और उस पत्रकार वार्ता में कुछ एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर राज्यसभा में पहुंचे, कुछ एक पूरी अपनी पाली खेल करके रिटायर हो गए, लेकिन वही सी एस कर्णन नाम का जस्टिस जो थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस और मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस, वही करप्शन की बात को उठाते हैं, उनको 6 महीने के जेल, सर्विंग जज को 6 महीने की जेल दी गई। ये सारे हैं। और मुझे लगता है कि मित्रों मैं तो कभी इस मामले में नहीं कर रखता हूं, ऊपर बदलाव कर लो, और जिस दिन ये जरूरत पड़ जाए वो राजा के वोट और नौकर के वोट वाला, तो नौकर मान के चले जाना, जो लोग जहां जहां हो एक एक वोट कम से कम देश को बचाने और संविधान को बचाने के लिए सबको बुला के कर देना, अच्छा लगेगा। यहां बैठ के मार चांद से कोई बात होती नहीं, मार चांद तो असली गांव में करना। तो इसलिए तमाम, मुझे लगता है कि सारी बातें तो मैं कह ही चुका हूं, कुछ बचा उचा नहीं है, और कुछ एक चीजें और है बस जोड़ दे रहा हूं। हम भी जो है कुछ मिला जुला करके एक सेक्शन को बधुआ मजदूर समझते हैं, 14.4% आबादी जिसकी, हमें मान के चलते हैं कि फुटबॉल की तरह उसको जो है वो पीटेगा तो इधर आ जाएगा, इधर हम पीटेंगे तो उधर चला जाएगा, उसके कोई वैल्यू थोड़ा,
2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी थी और 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई, कोई पूछता नहीं है, कोई समझता नहीं, कौन बोलेगा? बहुत बड़ी आबादी, उनके बारे में भी हमको लेके चलना है। केवल उनको हम काउंटिंग इस बात पे करने की हमारा वोट पक्का हो जाएगा, हमारा वोट कल हो जाएगा, ये मान के अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर से हम अपने आप को डेमोक्रेटिक सेटअप में हम अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। और बहुत सारी बातें कही है, पुनः मैं अपनी बात पर इतने कहता हूं कि कहीं कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कहीं कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो एक दिन में घंटे भर में लोग रंग बदल दे, आप तैयार तो हो जाइए, एक रोड मैप तो दीजिए, बस केवल हम चीज है 24 में ये हो रहा है, 24 में हो, अरे कुछ नहीं हो रहा, चुनाव होगा फिर पीरियडिक चुनाव अगले 5 साल में हो जाएगा। कितने लोग हैं जो निकलने को तैयार है राहुल गांधी के रास्ते पर, जितने पॉलिटिकल दल वाले हैं सबके सब, और सबसे ज्यादा अगर किस देश में किसी ने धोखा दिया है तो सोशल जस्टिस की फोर्सेस जितने हैं वो सबने धोखा दिया इस देश में, उन्होंने ऐसी ताकतों को जन्म दिया है। सोशल जस्टिस के नाम पर वो लोग धोखा दे रहे हैं। आज भी वही गिनती है कि इनका 11% हो गया, इनका 8% हो गया, इसका 20% मिला दो, हम 47-51% हो गए। ऐसे नहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं चलती, बड़े मुश्किल से आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके हम संविधान बचा पाएंगे, तब हम जाके डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तब हम देश को बचा पाएंगे। और मुझे लगता है कि अब काफी कुछ कह दिया हूं, अब बंद ही कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। तो सभी लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के एनएसआई यूनिट को भी और सुनने का मौका मिला मैडम को भी, बहुत बहुत मैडम आपका भी धन्यवाद और मेरे कलीग शिंदे का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने कहा था कि मुझे जब मैं इनवाइट करने गए थे तभी सर ने कहा था कि मुझे सबसे लास्ट में रखना, तो सर आपने पूरी तरह कंक्लूड ही कर दिया। तो अब हम आगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बढ़ते हैं।